Assalamu alaikum students, today we are going to start the work on countdown book 5. So let's take out the book. Take out page number 182. Practice sheet number is 1. Today we will do the remaining questions 4, 5, 6, and 7 on the notebook. These are very easy. Uh, let's take out the notebook for the work. You have to prepare the page first, draw a margin line, write 27, 1, 2021 classwork and Wednesday. प्रैक्टिस शीट नंबर वन पेज नंबर वन एटी टू क्वेश्चन नंबर फोर डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन जो सिंपल आप डिवीजन करते हैं जो आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं थ्री फोर फाइव क्लास में आप कर रहे हैं पहले से उससे मैथड करना है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर थाउजेंड सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी टू थ्री हंड्रेड नाइन्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर थ्री हंड्रेड फोर का टेबल तो किसी बच्चे को नहीं आता तो इसके लिए आपने रफ वर्क में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है टू से थ्री से फोर से और फाइव से पहले ही आप ऐसे रफ वर्क में बना लें ताकि आपके फिर सॉल्व करने में आसानी होगी मोस्टली स्टार्टिंग में आपके इसी तरह फाइव तक नंबर्स यूज़ होते हैं अगर फाइव भी छोटा पड़े तो सिक्स सेवन एट भी आप बना सकते हैं ठीक है मल्टीप्लीकेशनस हम उसके साथ भी ठीक है तो एक किस्म का ये आपका टेबल बन जाता है कि थ्री हंड्रेड एटी फोर टूज आर सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट थ्री हंड्रेड एटी फोर थ्री जार वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी टू इस तरह ठीक है तो ये फोर हंड्रेड सिक्सटी टू पहला नंबर है उससे छोटा तो ये बड़ा टू जार आ जाता है सेवन हंड्रेड तो आप वन ज़ार करेंगे थ्री हंड्रेड एटी फोर वन ज़र थ्री हंड्रेड एटी फोर माइनस करेंगे तो आपके पास ट्वेल्व टू है टू में से फोर नहीं कट हो सकते सात से हेल्प ली सिक्स कट किया वन आया पीछे बच गया फाइव ट्वेल्व में से फोर गए एट फाइव में से एट नहीं जा सकते सात वाले से अगेन हेल्प लेंगे फोर से फोर ने से वन दिया फिफ्टीन बन गया फोर पीछे वन जाने के बाद थ्री बच गया फिफ्टी में से एट गए सेवन और थ्री में से थ्री गए जीरो अब ऊपर से आ गया थ्री सेवन एटी थ्री हो गया इसके करीब तरीन सेवन सिक्सटी एट है और फिर बड़ा हो जाता है वन हंड्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी टू तो ये वाला आप टू ज़ार करेंगे थ्री एटी फोर टू ज़ार सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट माइनस अगेन आपने किया यहाँ थ्री से नहीं हो सकता सात से हेल्प ली थर्टीन बन गया यहाँ सेवन बचा एट से हेल्प ली तो थर्टीन में से एट कट किया तो फाइव सेवन में से सिक्स का वन सेवन में से सेवन के जीरो वन फाइव बचा ऊपर से नाइन नीचे आया वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन अब जब नंबर छोटा आ जाए तो आप क्या करते हैं जीरो से डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री एटी फोर जीरो जीरो माइनस किया नाइन फाइव और वन एज इट इज़ नीचे आ गया ठीक है नेक्स्ट वन नीचे आया तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी वन अब इसके करीब ये वन थाउजेंड है और ये फाइव थाउजेंड इससे बड़ा आ जाता है नाइन थाउजेंड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड हो जाता है ठीक है तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका करीब तरीन है इस नंबर के तो आपने फोर हज़ार किया थ्री हंड्रेड एटी फोर फोर हज़ार वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स माइनस किया वन एलेवन में से सिक्स गए फाइव इससे हेल्प ले ली एलेवन बन गया यहाँ एट बच गया एट में से थ्री कट किए फाइव फाइव में से फाइव कट किए ज़ीरो वन में से वन कट किया ज़ीरो ठीक है अब आपको समझ आ गई होगी तो फिफ्टी फाइव आप छोटा नंबर बच गया अब आगे कोई नंबर नहीं है जो हम नीचे लेके आएंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा इसका जब नंबर यहाँ पे एंड हो जाए और एंड में अगर कोई छोटा नंबर बचता है इस बाहर वाले नंबर से ठीक है डिवाइजर से तो आप क्या करोगे आप उसको रिमाइंडर कंसिडर करोगे तो ये दिस इज़ द रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है वो आप ख़ुद करेंगे इसी तरह आपने टू थ्री फोर सिक्सटी फाइव को टू से करना है थ्री से फोर से फाइव से अगर ज़रूरत पड़ा सिक्स सेवन से भी कर लीजिएगा तो आपने डिवीजन खुद करनी है दिस इज़ वेरी इजी सेम प्रोसीजर के साथ करनी है मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखें क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेन टेन के नियरेस्ट करने से पहले आप टू डिजिट्स देखते हैं ये याद रखिएगा और आप जो नंबर देखते हैं वो इस नंबर लाइन को देख के देखिएगा अब कैसे टू हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन अब टू डिजिट्स हैं टेन के तो टू डिजिट्स को हमने अंडरलाइन कर लिया अब अब इस पहले नंबर से पता चलेगा कि सिक्सटी है या सेवेंटी है ठीक है तो ये सिक्सटी या सेवेंटी के नियरेस्ट होगा ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था दोबारा रिवाइज करें हम सिक्सटी है या सेवेंटी अब सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ की लाइन जा रही है तो सिक्सटी सेवेंटीज़ हमने दोनों सामने लिख लिया अपने रफ पेंसिल से अब नाइन है अब अब जब आप किसके नियरेस्ट है ये चेक करना है सिक्सटी के नियरेस्ट होगा या सेवेंटी के तो इसके लिए हमने नंबर लाइन बनाई है जीरो से लेके फोर तक जो नंबर होंगे वो पिछले नंबर के नियरेस्ट होंगे फॉर एग्जांपल पिछला नंबर क्या है सिक्सटी और फाइव सिक्स सेवन एट में से कोई भी अगर नंबर होगा तो वो अगले के नियरेस्ट होंगे अगला नंबर क्या है सेवेंटी ठीक है पिछला नंबर सिक्सटी है अगला नंबर सेवेंटी इन दोनों के नियरेस्ट हो सकता है अब किसके नियरेस्ट होगा यहाँ पे नाइन है तो नाइन आगे की तरफ जा रहा है ये, अगले नंबर के नियरेस्ट 70. तो सेवेंटी तो टू हंड्रेड एंड सेवेंटी इज द आंसर ठीक है इस नेक्स्ट टू पार्ट्स आप खुद करेंगे इसी तरह आप हंड्रेड है तो थ्री डिजिट्स देखेंगे तीन डिजिट्स को अंडरलाइन कर लेना है और फिर उसके नेक्स्ट टू डिजिट्स से आपको पता चलेगा किसके नियरेस्ट होगा जीरो सिक्स है अब फोर्टी नाइन तक कोई भी नंबर हो जीरो से लेके फोर्टी नाइन तक कोई भी नंबर होगा तो आप वो पिछले नंबर के नियरेस्ट होगा पिछला नंबर क्या है फाइव हंड्रेड और फिफ्टी से ऑनवर्ड्स फिफ्टी या फिफ्टी से ऑनवर्ड्स तो वो अगले नंबर के इक्वल होगा तो वो सिक्स हंड्रेड के नियरेस्ट होगा ठीक है नियरेस्ट होता है उसके करीब अब यहाँ थ्री डिजिट्स हमने अंडरलाइन किए हैं तो फाइव हंड्रेड एंड सिक्स है फाइव हंड्रेड एंड सिक्स किसके नियरेस्ट है आप देखिए फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन तक अगर हो तो वो फाइव हंड्रेड के नियरेस्ट होगा अगर फाइव हंड्रेड फिफ्टी या फिफ्टी वन फिफ्टी टू कुछ आगे हो जाए तो वो सिक्स हंड्रेड के नियरेस्ट होगा अभी यहाँ पे है फाइव हंड्रेड एंड सिक्स तो ये किसके प्लम्बर होगा नियरेस्ट फोर्टी नाइन से छोटा है तो सिक्स पिछले के नियरेस्ट होगा तो फाइव हंड्रेड आंसर आने का इसके नियरेस्ट हो जाएगा पहले आपने उसकी जो हंड्रेड्स की सीरीज है वो लिख लेनी होती है अब टेंथ में टेंथ की सीरीज लिख ली है हंड्रेड में हंड्रेड की सीरीज लिख ली है नेक्स्ट टू पार्ट्स आप खुद करेंगे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड अब यहाँ पे आपने थाउजेंड है तो फोर डिजिट्स अंडरलाइन करने वन टू थ्री फोर ये हमने फोर डिजिट्स अंडरलाइन कर लिए अब सीरीज कौन सी थाउजेंड की लिख लेनी है कौन सी है वन थाउजेंड है ना ठीक है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड पर ये आ रहा है तो ये वन थाउजेंड है तो वन थाउजेंड पहले आ गया और फिर टू थाउजेंड बाद में दो नंबर हो गए सीरीज लिख ली अब क्या होगा कि फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है अब हमने थाउजेंड के पीछे हंड्रेड्स वालों को देखना है ठीक है 599 तक अगर होगा तो आपका पिछले के नियरेस्ट होगा और 600 के ऑनवर्ड्स होगा तो आपका अगले के नियरेस्ट होगा ठीक है तो अब आप देख लें सीरीज़ 1000 है और 2000 अब यहाँ पे नंबर है 425 मतलब इससे छोटा है तो ये पिछले के नियरेस्ट होगा ठीक है तो पिछला नंबर क्या है आपका 1000 तो वन थाउजेंड था, था, था। था। ये वन एज इट इज़ आया और वन इसके साथ आ गया तो एलेवन इज़ द नियरेस्ट नंबर ठीक है इस तरह बी और सी पार्ट आपने खुद करना है इन नंबर लाइंस को देख लें नंबर लाइंस को लाजमी आपने माइंड में रखना है टेन की सीरीज़ में ये नंबर लाइंस फॉलो होगी हंड्रेड की सीरीज़ में ये नंबर लाइन फॉलो होगी और थाउजेंड की सीरीज़ में ये नंबर लाइन फॉलो होगी आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इन द विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़